सो प्यारे बच्चों नमस्कार, फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्निंग जर्नी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय संख्या 12 के बारे में, और जिसके पास पुरानी बुक है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम है अणुगति सिद्धांत। कई जगह चैप्टर का नाम गैसों का अणुगति सिद्धांत भी लिखा होता है। ये आज इसका दूसरा लेक्चर है जहां पर अमन आदर्श गैस समीकरण और आदर्श और गैसों के कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा यही मेन टास्क है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, कैसे निकलता है, कुछ नियम है गैस संबंधित, दो तीन नियम हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, गे-लोसे का नियम, ठीक है ना, अवोगाद्रो का आंशिक दाब का नियम, कुछ इस तरीके के नियम हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों यारों मित्रों को भेज दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको पहले बताता हूँ ना, चैप्टर थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है। ऐसे नहीं कि आज आपने दूसरा लेक्चर डायरेक्ट देख लिया, पहला लेक्चर देखे बिना तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, फिर आप डायरेक्ट तीसरा लेक्चर देख रहे हो पहला दूसरा देखे बिना, तो ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको डेली सारे लेक्चर्स देखना कंपलसरी है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, चैप्टर बहुत बड़ा है ही नहीं, मतलब हार्डली आप ये मान के चलो 7 लेक्चर में मैं पूरा थ्योरी वाला पार्ट निपटा दूंगा, 1 लेक्चर आपका न्यूमेरिकल्स का, और 8 लेक्चर में हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो डेडिकेशन के साथ पढ़िए क्योंकि चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सेकंड बुक आने के चांसेस ज्यादा है आपके। ठीक है, और स्कोरिंग भी है, मैं 2-4 बच्चों के नाम लेंगे, ज्यादा बच्चों के नाम नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए कौन कौन है, श्रुति तिवारी हमारे पास, अनीश है, रावत गर्ल हमारे पास, साक्षी शर्मा है, उद्दीकांत मिश्रा है हमारे पास, कौशल है हमारे पास, सैयद है हमारे पास, अन्वेक्षा है हमारे पास, मोहम्मद आजम है हमारे पास, श्रुति हो गया हमारे पास, गणित कुमार है, दिव्या है हमारे पास, और कौन है हमारे पास, जतिन है, श्रुति है, सुलोचना है हमारे पास, अनीश है हमारे पास। चलो सबको गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। बिना समय बर्बाद के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक रिकैप लेंगे जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो इस चैप्टर की शुरुआत आप सबको पता है बॉयल्स के नियम से हुई थी, ठीक है ना। बॉयल्स ने जो अपना नियम दिया कि पीवी जो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, अगर हमारा तापमान जो नियत रहे तो पी और वी का जो गुणनफल होगा वो नियत रहेगा आपके। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो किसी भी चीज का तो दाब अपने आप जो है, सॉरी आयतन जो अपने आप घट जाएगा। अगर आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, गैस को दबाओगे, तो गैस का आयतन कम हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। तो ये बात सबसे पहले बॉयल्स ने बताई, लेकिन उस टाइम उन लोगों ने उसकी बात पर लाइक इतना कोई वो नहीं हुआ, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा उसकी बात पर बिलीव नहीं की, मतलब बिलीव तो क्या, मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। अब ये बात समझो कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां पर लोगों के पास टेलीफोन नहीं है, सेलफोन नहीं है, आप अगर कोई चीज खत लिखते हो तो वो खत कई दिनों बाद, 10-12-13 दिन बाद किसी को जाके मिलेगा, ठीक है ना। आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, किसी दूसरे कोने के साथ, आप दूसरे बंदे के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, आज तो आप कॉल लगा लेते हो, फटाफट से वीडियो कॉल कर लेते हो, फेस टू फेस बंदे को देख लेते हो, थोड़े टाइम बाद AI आ जाएगा, आपका 3D बॉडी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, आप लोगों से बात कर पाओगे। तो वो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, 1600 की बात कर रहे हैं, जब लोगों के पास टेलीफोन जैसा कुछ नहीं था, लोग खत के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। अब इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर अगर किसी एक बंदे ने कोई खोज की तो उस पूरे खोज को पूरे वर्ल्ड में फैलाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, आसान काम नहीं था, ठीक है। तो जब पहली बार बॉयल्स ने अपना नियम 1661 में दिया था, तब उसके नियम को इतनी ज्यादा कोई प्रेफरेंस मिली नहीं, क्योंकि लोग गैस ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे। रीज़न क्योंकि उस टाइम क्लासिकल फिजिक्स यानी क्या बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, लोग अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, जो बड़ी चीज़ें उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, साइंटिस्ट उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। बट 150 साल बाद, जब 150 साल बीत गए, तो फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्टों ने मिलजुल करके सोचा यार कुछ, मतलब लाइक अब क्योंकि सारी बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज हो चुकी है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज हो चुकी है, सारी मैकेनिक्स खोजी जा चुकी है, उससे रिलेटेड हम चीज़ें बना रहे हैं, तो कुछ नया खोजना पड़ेगा। तो फिर वो आए कि भाई अब जो है वो गैसों के बारे में डिस्कवरी की जाए। जब गैसों के बारे में डिस्कवरी की जाए जाएगी तो जो पुराने नियम बने हुए हैं उनके उनके धूल झाड़ी जाएगी उनकी बुक्स के ऊपर, भाई अभी तक क्या डिस्कवरी उसके ऊपर हो चुकी है। तो 150 साल बाद एक कमेटी बनी और कमेटी के लोगों ने डिसाइड करा कि हम एक क्या बोलते हैं, जो आपके चैप्टर का नाम है वो करेंगे, वो है अणुगति सिद्धांत। मतलब गैसों को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक रूल्स देंगे, ठीक है, उन रूल्स को के कलेक्शन को बोला उन लोगों ने अणुगति सिद्धांत। तो ये चैप्टर और कुछ नहीं, अलग अलग तरीके की रूल्स का कलेक्शन है जो गैस फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन ये जो रूल्स है ये आदर्श गैस द्वारा फॉलो किए जाते हैं, सारी गैसेस इन रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। गैसेस इन रूल्स को फॉलो कर सकती है, नियमों की पालना कर सकती है, पर उसके लिए 2 तीन कंडीशन है।
तो गैस का घनत्व कम होना चाहिए, गैस का दाब कम होना चाहिए और गैस का आयतन ज़्यादा होना चाहिए। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो जनरली हीलियम, हाइड्रोजन, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये वो गैसेस हैं जो कि गैस के नियम की पालना कर सकती हैं। लो प्रेशर पे दाब कम होना चाहिए, ताप ज़्यादा होना चाहिए। दाब कम होने से वो गैस के कण ईजिली फ्रीली मूव कर पाएंगे, एक दूसरे से ज़्यादा मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, अन्योन्य क्रिया नहीं करेंगे। और अगर तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो उनकी गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होगी, वो बहुत तेज भागेंगे, ठीक है ना। इसने हमने बोला था अगर गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर ली जाए तो वो आदर्श गैस ऐसा बिहेव करने लग जाती है, ठीक है। तो मेजर चीज़ों पे आ जाते हैं, फिर अलग अलग नियम सब लोगों ने पढ़े हैं, उसके अंदर मेन चीज़ पे आ जाते हैं। अब क्या बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों ने ये डिसाइड करा कि भाई निम्न दाब और उच्च ताप पर गैस जो होती है वो आदर्श गैस सब बिहेव करती है। उसके बाद उन लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो पी और वी का गुणनफल होता है वो टी के से दशमानुपाती होता है। बॉयल्स के नियम से निकल के आया है, ठीक है ना, कि पी और वी का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। वो कांस्टेंट वैसे अपन ने पढ़ा था म्यू आर टी एन आर टी, जो भी आप लिखना चाहो उसके इक्वल होता है, जो बाद में डिराइव हुआ। तो पहले तो लोगों ने यही समझा कि भाई पी और वी का जो गुणनफल होता है किसी भी गैस के लिए वो उसके तापमान के सीधे समानुपाती होता है। मतलब अगर किसी गैस के अंदर आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो इस नियम की पालना करता है। लेकिन 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 एक चीज़ और है यहाँ पर, जब समानुपाती का चिन्ह हमने हटाया था तो बच्चों एक कॉन्स्टेंट आया था जो था कैपिटल के। ये कैपिटल के एक नियतांक था, हमने बोला ये नियतांक तो है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस नियतांक की भी वैल्यू चेंज हो रही है। इस नियतांक की वैल्यू कब चेंज हो रही है, जब आप आयतन चेंज करते हो। अगर आप किसी गैस का आयतन चेंज करोगे तो उसमें कणों की संख्या चेंज होगी, कणों की संख्या चेंज हो जाएगी तो के भी चेंज हो जाएगा। तो लोगों को उस टाइम समझ आया कि जो कांस्टेंट अपन बोल रहे हैं ये कणों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। एन जैसे मान लो गैस ले रहे हो तो गैस की अणु परमाणु जो भी आप लेना चाहो उसकी संख्या के सीधे समानुपाती होगा। तो नॉर्मल वर्ड में उसको अपन कण बोल देते हैं। तो कणों की संख्या, ये कण अणु भी हो सकते हैं और ये कण परमाणु भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लोगों ने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि जो के है ना ये अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। अगर आप किसी गैस के आयतन को बढ़ा देते हो तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन के अंदर जो के है ये भी चेंज हो जाता है। मतलब के कॉन्स्टेंट नहीं था, के तो वास्तव में खुद ही एन पर निर्भर करता था। फिर जब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाया गया बच्चों, तो एक और कांस्टेंट आया, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था बच्चों। उस नियत कांस्टेंट को अपन बोलते हैं के पी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, बोल्टमान नियतांक। बच्चों इस बोल्टमान नियतांक का मान हमारे पास आया था 1.38 गुणा 10 की घात माइनस का 23, ठीक है ना, 1.28 गुणा माइनस का 23 जूल पर केल्विन। ये हमने लास्ट क्लास में इसकी वैल्यू डिस्कस की थी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो था वो कुछ उस तरीके से बन गया, पी वी इक्वल्स टू के बी एन इंटू टी, ये फॉर्मूला निकल के आया। यहां से हमने बोला सारी गैसेस के लिए ये जो क्वांटिटी के बी जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, तो यानी सारी गैसेस के लिए हम बोल सकते हैं यदि हमारे पास दो गैसें हैं, यदि दो गैसें जिनका दाब, आयतन, ताप व कणों की संख्या क्रमशः तो दाब तो हमने लिया P1 V1, मान लो दो अलग अलग गैसेस हैं, उनका प्रेशर है P1 V1, उनका आयतन है V1 V2, ताप है T1 T2 और कणों की संख्या हमारे पास N1 N2। तो अगर ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं P1 V1 upon N1 T1 is equals to P2 V2 upon N2 V2, और ये कांस्टेंट के बी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल आ गया। यहां से अवोगाद्रो का वो नियम भी प्रूफ होता है जिसके बारे में अपन ने बोला था कि अगर हमारे पास दो गैस हैं, उनका दाब और ताप बराबर हो और साथ के साथ अगर उनके अंदर
आयतन भी बराबर हो तो उनकी कणों की संख्या बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा, अवोगाद्रो ने क्या बोला था, अवोगाद्रो ने बोला था, अवोगाद्रो का नियम क्या था, ये हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने बोला था बाद में प्रूफ करेंगे। अवोगाद्रो का नियम ये था कि अगर हमारे पास दो गैस है, मान लीजिए ये गैस नंबर एक है, ये गैस नंबर दो है, गैस नंबर एक जो है इसके अंदर जो प्रेशर है बच्चों वो पी वन है, यानी इसका प्रेशर और इसका प्रेशर इक्वल है, इसका ताप इक्वल है, मतलब पी वन पी टू के इक्वल है, टी वन टी टू के इक्वल है, मतलब दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर यानी दाब और ताप समान है, और साथ के साथ अगर उनके आयतन भी बराबर हो जाए तब उन दोनों गैसों के अंदर कणों की संख्या बराबर होती है। आप देख सकते हो, अगर मैं ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से चलूं तो अगर प्रेशर इक्वल है तो बच्चों पी वन पी टू से कैंसिल हो जाएगा, अगर तापमान बराबर है तो टी वन टी टू से कैंसिल हो जाएगा, अगर आयतन बराबर है तो उनके वी वन और वी टू भी कैंसिल हो जाएंगे, उस केस में एन वन किसके इक्वल आ जाएगा, एन टू। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है ये अवोगाद्रो के नियम की पालन, एक तरीके से बोल सकते हो उसका सत्यापन है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास लॉ आया ना पीवी इक्वल्स टू के बी एन टी, ये अवोगाद्रो के नियम का सत्यापन है कि हमारे पास दो गैसें हैं, उनका दाब बराबर है, उनका ताप बराबर है, अगर उनका आयतन भी बराबर है तो उनमें अणुओं की संख्या बराबर होगी। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, मान लीजिए एक तरफ ऑक्सीजन गैस है, एक तरफ हाइड्रोजन गैस है, मान लीजिए इसका भी दाब एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है, इसका भी दाब एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये भी 100 डिग्री केल्विन पर है, ये 100 केल्विन पर, ये भी 100 केल्विन पर है, और मान लेते हैं कि इन दोनों का आयतन भी बराबर है, ये भी एक मीटर क्यूब है और ये भी एक मीटर क्यूब है, तो उस केस में दोनों में अणुओं की संख्या जो होगी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या जो होगी वो बराबर होगी, दोनों सेम होंगे, ऐसा अवोगाद्रो ने बोला था। नियम याद रखना, पी सेम, टी सेम, वी भी सेम, तब N1 और N2 भी सेम, मतलब उनके अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या जो भी एप्लीकेबल हो वो बराबर होगी, ठीक है ना। ये अवोगाद्रो का नियम था जो यहां से प्रूफ होता है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। यहां तक सबको, आई होप सबको समझ आ गया होगा, यहां तक सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, सबको समझ आ गया। चल अब आते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज पर, एक नंबर जिसको अपन बोलते हैं अवोगाद्रो का नंबर, वो अवोगाद्रो के नियम से निकल के आया। तो ये अवोगाद्रो का जो नियम है इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, जब दो गैसों का ताप दाब एवं आयतन बराबर हो या समान हो तब उनमें अणुओं की संख्या भी बराबर होगी, अणुओं की संख्या भी बराबर होगी, संख्या भी बराबर होगी। ये था अवोगाद्रो के नियम का स्टेटमेंट, ये उनका कथन था। अब इस कथन के बाद अवोगाद्रो ने एक नई चीज की खोज करी जिसको आज आप अवोगाद्रो संख्या यानी अवोगाद्रो नंबर NA के नाम से जानते हो, 6.023 गुणा 10 की घात 23, ठीक है ना, 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसकी खोज हुई यहां से अवोगाद्रो के नियम से। तो हम एक नई टर्म पढ़ने वाले अवोगाद्रो के नियम से, अवोगाद्रो की संख्या, सब जानते हैं अवोगाद्रो की संख्या क्या होती है, नौवीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ ली थी और इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अवोगाद्रो नंबर हमें बताता है एक मोल पदार्थ की मात्रा में जो अणुओं की संख्या होगी वो फिक्स होगी, एक मोल पदार्थ की मात्रा में, मतलब अगर मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन है, एक मोल ऑक्सीजन है, एक मोल नियॉन है, एक मोल आर्गन है, कुछ भी हो, उसमें अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या नियत रहनी है, वो 6.022 into 10 to the power 23 होती है। जैसे एक दर्जन फिक्स होता है ना, 12 होता है, फिर चाहे बॉटल लो, चाहे रिमोट लो, चाहे कैमरा लो, आपके एप्पल लो, बनाना लो, कुछ भी लो, फोन लो, कुछ भी लो, आपके एक दर्जन के अंदर 12 नग फिक्स है तो 12 ही आएंगे, फिर चाहे वो चीज बड़ी हो चाहे छोटी हो। इसी तरीके से
एक मोल गैस, फिर चाहे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम, लिथियम, बेरियम, कुछ भी हो, उसमें अणुओं की संख्या बराबर होगी। सिर्फ गैसेस के लिए बल्कि सारे के सारे पदार्थों के लिए वैलिड है। फिर चाहे वो सॉलिड में आते हो, यानी ठोसों में आते हो, चाहे द्रवों में आते हो, चाहे गैस में होते हो, अणुओं की संख्या नियत ही रहेगी। मतलब अगर मेरे पास एक मोल पानी है तो उसमें भी अणुओं की संख्या इतनी होगी, ठीक है ना। अब ये आई कहाँ से, ये संख्या उन्होंने निकाली कैसे, कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि नंबर, मतलब आया कहाँ से नंबर, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या की खोज कैसे हुई, ठीक है ना। इसकी खोज के पीछे बच्चों अवोगाद्रो का खुद का नियम ही है, वो ये नियम है। उन्होंने इस एक्सप्रेशन का यूज करके अणुओं की संख्या कैलकुलेट करी, बेसिकली मुझे इस एन का मान निकालना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली मुझे पी वी और टी का मान पता होना चाहिए। तो अगर मेरे को पी वी टी का मान पता होगा तो मैं इस एन के नंबर तक पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने बोला एस टी पी पर। अब बच्चों एस टी पी की फुल फॉर्म आप आई होप सबको पता होगी। एक होता बच्चों, एक हो तो होता है एस टी पी और एक होता है एन टी पी। एन टी पी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एस टी पी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एस का मतलब बच्चों यहां पर क्या है, एस का मतलब यहां पर होता है स्टैंडर्ड मानक। टी का मतलब यहां पे क्या बच्चों, टेम्परेचर। और पी का मतलब यहां पे क्या बच्चों, प्रेशर मानक ताप व दाब पर। मानक ताप व दाब को इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब यह है कि हमारा टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों रूम टेम्परेचर, यानी हमारा जो ताप होना चाहिए वो कमरे का ताप होना चाहिए, और वो कमरे का ताप बच्चों होता है 27 डिग्री सेल्सियस। प्लस टेम्परेचर केल्विन में चाहिए होता है 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है ना। दाब हमारा होता है एक एटीएम, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो होता है 10^5 पास्कल के बराबर। और लास्ट चीज हमें चाहिए आयतन, तो वो होता है 22.4 लीटर। लास्ट हमारे पास आयतन, तो आयतन एसटीपी पर फिक्स होता है 22.4 लीटर। क्वांटिटी लेते हैं अपन, अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए 10वीं क्लास में पढ़कर आए हो, 9वीं में पढ़कर आ रहा हो, 1000 से भाग देते हैं, ये 10^-3 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो अगर लीटर से मीटर क्यूब में जाना तो 1000 से आप भाग दोगे, ठीक है। तो जब हमारा ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो, दाब 1 एटीएम हो, और अगर आयतन 22.4 लीटर हो, तब अगर मैं कणुओं की संख्या निकालता हूं इस फॉर्मूले का यूज करके, अगर मैं एन निकालता हूं तो एन मेरे पास क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, पीवी इज इक्वल्स टू केबीएनटी। मेरे को निकालनी अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या निकल के आएगी पीवी बाय केबी इंटू टी। प्रेशर है 10^5, आयतन है 22.4 गुणा 10^3 माइनस के साइन के साथ, अपॉन केबी है 1.23 गुणा 10^-23, टेम्परेचर है 300 केल्विन। आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटली कट करना है ना, अप्रोक्सीमेटली काट के आपको बता देता हूँ कितना आएगा। एक काम करो, इसको 1.23 की जगह 1.2 ही लिख दो, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, 1.2 लिख दो। ये पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चार से कट रहा है, हाँ चार से कट जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 4 6 24, और कुछ कट रहा है, नहीं और कुछ नहीं कट रहा। 10^5 देखना, 5 यहाँ पे आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, और 3 3 9 यहाँ पे ले लो। एक काम करो, 1 2 2 0 इसको दान कर दो, 10^5 माइनस का 21 हो जाएगा, है ना, माइनस का 23 और प्लस का 2, माइनस का 21 हो गया। यहाँ पे आ रहा है देखो 10^5, माइनस का 3 और ये ऊपर जाके हो गया प्लस का 21, ठीक। आप चाहो तो कैंसिल करो, 9 6 54 पॉइंट लगाया आपने, ठीक है, 9 6 54 हो गया मेरे पास, बचा कितना मेरे पास, 2, तो 9 2 18 है ना, शायद ये आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 6.2 आ रहा है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली 1.23 की जगह 1.2 लिया है। तो आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। फिर कह रहा हमारा 6.2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने 1.23 की जगह सिर्फ 1.2 लिया है। तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से रखोगे तो आपके मान लिया जाएगा। पावर तो देखो सही कट रही है, 21 और 5 को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 26, 26 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी मेरे पास अणुओं की संख्या जो है वो आ गई है 6.02 गुणा 10^23।
यानी अगर हमारे पास कोई गैस STP पर हो, मतलब उसका जो प्रेशर है वो एक एटमोस्फेरिक प्रेशर हो, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो और उसका आयतन 22.4 लीटर हो, तो उसमें अणुओं की संख्या 6.022 × 10³³ होती है। इसको अपन बोलते हैं एक मोल। तो उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूं। यदि किसी गैस का दाब 1 atm, ताप 300 केल्विन एवं आयतन 22.4 हो, 4 लीटर हो, तब उसमें कणों की संख्या 6.022 × 10³³ होगी। इसे एक मोल कहते हैं। यही है एक मोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मतलब एक मोल की डेफिनेशन। इसे एक मोल कहते हैं। यहां से निकल के आई ये संख्या, ठीक है ना। बचपन से हमें पढ़ाई तो जाती है, लेकिन ये संख्या आई कहां से? अवोगाद्रो ने जो अपना नियम दिया था उसके बेसिस पे उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर अज्यूम कर लिया। उन्होंने बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस ले लो, आयतन 22.4 लीटर ले लो और प्रेशर जो है हमारे पास क्या बोलते हैं 1 atm ले लीजिए, तो हमारे पास अणुओं की संख्या इतनी निकल के आएगी, ठीक है ना। ये एक मोल की डेफिनेशन है। जनरली हम मोल निकालते कैसे हैं? हम मोल अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। हो सकता है मेरे को कणों की संख्या दे रखी हो उससे मोल पे जाना हो, या मुझे द्रव्यमान दे रखा हो उससे हमें मोल में जाना हो। तो एक मोल की एक और डेफिनेशन है जो हम जनरली पढ़ते हैं। एक मोल की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप किसी भी पदार्थ की मात्रा या किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या बोलते हैं ग्राम में लेने जाओ, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसका मोलर द्रव्यमान होता है 16 U। बचपन में पढ़ा आप लोगों ने 16 U मोलर द्रव्यमान है और एक ऑक्सीजन के अणु परमाणु का। इस तरीके से ऑक्सीजन के अणु की बात करूं मतलब O2 की बात करूं तो उसका मोलर द्रव्यमान होता है 32 U। अगर इस 32 U को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, यानी मोलर द्रव्यमान को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो एक मोल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ग्राम में एक मोल के बराबर होता है। अब आपको शायद कड़ियां जुड़ती हुई समझ आ रही होगी कि ये नंबर कहां से आया, क्यों 16 U ही लिया गया ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है, यानी अगर ग्राम में बोलूं तो 16 ग्राम ही क्यों लिया, नाइट्रोजन का 14 ग्राम ही क्यों, ब्ला 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 ब्ला। ये सारी कड़ियां अब आपको जुड़ती हुई समझ आ रही होगी, क्योंकि हमें अणुओं की संख्या 6.022 × 10³³ थी, उसमें जितनी क्वांटिटी मेजर करके आ गई वही उसका मोल क्या बोलते हैं मोलर मास बन गया, मोलर द्रव्यमान जिसको आप बोलते हो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के केस में आपको बोला 16 ग्राम होगा, नाइट्रोजन के केस में 14 ग्राम होगा, कार्बन के केस में 12 ग्राम होगा और अलग जितने भी आप जानते हो सोडियम के केस में 23 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। मेरे को केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है और इन सबके अंदर अणुओं की संख्या बच्चों रहेगी समान। मोल ज्ञात कैसे करते हैं इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास मतलब पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। मोलों की संख्या दो तरीके से ज्ञात की जा सकती है। या तो आपको द्रव्यमान दे रखा हो, यदि द्रव्यमान दे रखा हो लेट से m दिया हो, जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन क्या बोलते हैं यहाँ, चलो मैंने बोल दिया आपको मेरे पास 48 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो मेरे पास कितने मोल गैस है, तो कुछ नहीं करूंगा मैं 48 को इसकी मोलर द्रव्यमान यानी 32 से भाग दे दूंगा। तो पहला तरीका क्या है मोलों की संख्या निकालने के लिए बच्चों? मोलों की संख्या को अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, आप चाहो तो किसी और से भी कर सकते हो, चलो एन लिख देता हूँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी,
मोलों की संख्या को मोलों की संख्या लिख देते हैं। तो मोलों की संख्या जो है वो हमारे पास क्या हो गया, जो भी द्रव्यमान आपको दे रखा है आप उसको मोलर द्रव्यमान से बांट दो। दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बच्चों m और इसका मोलर मास आप चाहो तो उसको mo या mm जो भी लिखना चाहो लिख लो, जो आपका मन करे, जो आपको सही लगे। दूसरा, यदि हमें कणों की संख्या दे रखी हो, यदि कणों की संख्या दे रखी हो, लेट से मेरे को n दे रखा है, जैसे मैंने बोला मेरे पास 12.044 गुणा 10 की का 23 कण, तो मेरे पास कितने मोल हैं? मैं क्या करूंगा उस केस में मोलों की संख्या निकालने के लिए, वही दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या यानी n, उसको अपन अवोगाद्रो संख्या एन ए से भाग दे देंगे तो मुझे आपके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ, इसलिए ज्यादा अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है ना, अब बात करते हैं थोड़ा आगे, अब आ जाते हैं हमारे आदर्श गैस समीकरण पे। ठीक है ना, हम ये तो पढ़ चुके हैं कि आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, बस एन की जगह पर बच्चों म्यू आरटी यूज करेंगे, मोलों की संख्या के लिए अपन म्यू यूज करेंगे। मोलों की संख्या को अपन यहाँ पे काम करते हैं म्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण की बात करते हैं। हम ये पिछली क्लास में मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये इक्वेशन आई कहां से है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, सीधा सीधा लिख रहे हैं पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी लिख रहा हूँ। जनरली अपन एनआरटी लिखते हैं, लेकिन एन को इस चैप्टर में कुछ और रिप्रेजेंट कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे म्यू आर टी लिख रहा हूँ। म्यू का मतलब यहाँ पे मोलों की संख्या ही है, आर यहाँ पे आप सब जानते हो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। ठीक है, मान मान भी आप सब जानते हो इसका, बस म्यू क्या है यहाँ पर मोलों की संख्या, बस जनरली एन लिखते हैं यहाँ पर एन म्यू लिख दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में नोट्स मैंने यही लिखा है, फिर बाल तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर मैं म्यू ही लिख रहा हूँ। कमन करे जो लिखो आपकी चॉइस है। ठीक है, बस साइड में मेंशन कर देना। अब अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा था पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी, और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। हमने जो समीकरण पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी, ये पढ़ा था ना एन के बी टी, ये पढ़ा था। और अभी हम पढ़ रहे हैं पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी, मतलब मोलो की संख्या के बी और आर, इन सब में कुछ संबंध तो है। ये आर आया कहां से, निकल के कहां से आया, उन दोनों की तुलना कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो समीकरण एक व दो की तुलना करके देखते हैं क्या आता है। समीकरण एक व दो की तुलना करने पर हम इस रिजल्ट से इस रिजल्ट पे कैसे पहुंचे, चलो वैसे मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं। जैसे आप सबको पता है अगर मुझे दिए गए कणों की संख्या से मोलर, चलो मैं डायरेक्ट बता दूं क्या, चलो इसको भी मत जाओ, छोड़ो इसको, डायरेक्ट बता देता हूं। देखो आप सब जानते हो अगर मेरे पास कणों की संख्या दे रखी हो और उसको अगर मुझे मोलों में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, उसको एन ए से भाग दे दूंगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं इस संख्या को एन ए से भाग दे दूं, एन ए से गुणा भी कर देता हूं, एन ए से भाग भी दे देता हूं, तो क्या होगा देखो, तो दाएं पक्ष में एन ए यानी अवोगाद्रो संख्या से गुणा भाग करने पर अगर आप इनसे गुणा भाग करोगे बच्चों तो हमारे पास हो जाएगा पीवी, तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एन अपॉन एन ए आ जाएगा, मैंने भाग भी दे दिया और मैंने गुणा भी कर दिया। बच्चों अभी आपको समझाया अगर हमारे पास कणों की संख्या उसको अवोगाद्रो संख्या से आप भाग दे दोगे तो ये तो मोलों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एन बाय एन तो हो गया मोलों की संख्या म्यू। बच्चों एक और नई चीज यहां से निकल के आई, मतलब हमने दिया, साइंटिस्टों ने इसको नाम दे दिया, उन्होंने बोला अवोगाद्रो संख्या सारी गैसेस के लिए कांस्टेंट है, उन्होंने बोला केबी भी सारी गैसेस के लिए कांस्टेंट है, तो क्यों ना इसको एक नया कांस्टेंट दे दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने का कोई लॉजिक तो है नहीं,
उन्होंने क्या किया, इसको एक और नया कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया था। तो ये आपका जो एन ए है और जो के बी है, ये मिला करके बनाते हैं आपका आर, बोले तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, ये दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ये है हमारे पास आर का मान, आर का मान होता है एन ए इंटू के बी। आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हो और जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी निकाल सकते हो, चॉइस आपकी, मन आपका है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे निकाल लो। आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखो अवोगाद्रो संख्या कितनी थी, 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बी था, 1.23 गुणा 10 की घात 23 माइनस का, ये देखो इससे पूरा कट गया। अगर मैं इसको 6 भी ले लूँ, 6.022 की जगह 6 भी ले लूँ, तो देखो 6 3 18, 6 2 12 और 1 13, 6 कम 6 4 1 7, वैसे इसकी वैल्यू 8.3 समथिंग होती है ना, कैलकुलेटर से गुणा कर लेता हूँ, 8.31 होती है ना इसकी वैल्यू, गुणा करके देखते हैं क्या आता है। इसमें कैलकुलेटर है क्या, इसमें तो क्या ही होगा कैलकुलेटर, फ़ोन से कैलकुलेट कर लेता हूँ। यह 6.022 गुणा 1.23 क्या होता है इसका मान, वैसे आर का मान क्या होता है जल्दी से बताना कमेंट करके, आर का मान क्या होता है जल्दी से बताओ, आर का मान क्या होता है, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग आ रहा है। यार फालतू बातें क्यों करते हो तुम लोग, यार मुझे समझ नहीं आता। आर का मान क्या होता है जल्दी बताओ, जूल, आर का मान मुझे चाहिए जूल मोर पर केल्विन में। अच्छा ही होता है ना, मैंने यहाँ पर आर इसकी वैल्यू गलत तो नहीं लिख दी है, 1.38 होती है, 1.23 क्यों लिखी है मैंने ना, 1.23 होती है, 1.38 होती है, 1.38 होती है, सभी यहाँ पर आंसर में मिस्टेक आ रही थी, 1.38 था यार, तभी मैं सोचू इसमें गड़बड़ कहाँ है, तभी आई थी गड़बड़। अब समझ आया कि इसमें आंसर मिस्टेक क्यों आई थी, 1.38 होती है ना इसकी वैल्यू, तो 1.38। अब करते ना, 8 6 48, 4 हासिल का, 6 3 18 18 और 3 हो गया 22, 6 कम 6 और 2 हो गया 8, 8.31 होती है। वैसे हमने वो क्योंकि 0.22 नहीं लिया, इसलिए अगर 0.22 ले लोगे तो इसका मान 8.31 आ जाएगा, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, यही होता है इसका मान, तो ये यहीं से निकल के आया है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई अवोगाद्रो संख्या और अवोगाद्रो संख्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और अगर आर में रिलेशन पूछे तो ये रिलेशन आप याद रखना। कहाँ गया मैं, स्क्रीन से गायब कैसे हो गया, अच्छा साइड में बैठा था। सबको क्लियर है यहां तक, जल्दी बताओ। चलिए तो हमें यहां तक सारी कहानी समझ आ गई होगी, आई होप जो भी सारी कहानी थी वो सब सबको क्लियर हो गई होगी। अब ये जो हमारा आदर्श गैस समीकरण है, इसका एक और फॉर्म भी होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, वो भी आप देख लीजिए। आदर्श गैस समीकरण के अन्य रूप, एक और रूप बता देता हूं, एक तो पीवी कोस टू एनआर म्यू आर टी से आप परिचित थे, पीवी कोस टू एन के बी टी एक और नया आपके पास है, एक्चुअली यही निकला था, उसके बाद पीवी कोस टू एनआर टी में पहुंचे थे अपन,
एक और फॉर्मूला देखिए, अगर पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी, बच्चों म्यू अभी मैंने आपको समझाया दो तरीके से निकल सकता है, या तो आपको कणों की संख्या दे रखी हो तो आप इसको एन बाय एन लिख सकते हो, या अगर आपको मतलब इसका द्रव्यमान दे रखा हो और मोलर द्रव्यमान आपको पता हो तो आप इससे निकाल सकते हो, मतलब म्यू को आप एम बाय एम नॉट भी लिख सकते हो, जहां पर एम नॉट क्या होगा मोलर द्रव्यमान, पी वी इक्वल्स टू एम बाय एम नॉट के बी टी। यहां पर बच्चों एम के एम नॉट क्या है मोलर द्रव्यमान, पीछे बताया मैंने आपको, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अगर मैं एक काम कर रहा हूं छोटा सा, अगर मैं आयतन को वहां पे भाग में ले जाऊं, तो बच्चों आप सब जानते हो दिया गया द्रव्यमान अपॉन दिया गया आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन बनाता है घनत्व, तो आप इसको इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, पी म्यू आर टी के जगह म्यू के बी टी क्यों लिख दिया मैंने, म्यू आर टी था ना यार, हाँ। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो आर टी बाय एम ओ, ये भी आपके यूनिवर्सल गैस सॉरी आदर्श गैस समीकरण जो है उसका एक और फॉर्म होता है, ठीक है ना। पी इक्वल्स टू रो आर टी बाय एम नॉट, जहां पर रो क्या है अगेन घनत्व, उस पदार्थ का, उस अणु का, उस परमाणु का, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है ना। एम बाय वी करा इसलिए दिया गया द्रव्यमान अपॉन उसका आयतन, जैसे गैसों के लिए वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, ठीक है बेटा। आर का मान दो थोड़ी ना है, ये आर का मान थोड़ी ना है बेटा, ये केबी का मान है, क्या कर रहे हो, केबी का मान है 3.1.38 × 10⁻²³, एनए का मान है 6.022 × 10⁻³³, दोनों को गुणा करने से आर मिला ना बेटा, आगे ना आर की ओर 8.31, क्या कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप, ये केबी की वैल्यू है, केबी अलग है आर अलग है। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो पीवी इक्वल्स टू बेटा एन लिखा है, यहां पर एन लिखा है, म्यू नहीं लिखा है, केबी लिखा है, केबी यानी अगर आप आर से केबी में जाना चाहते हो तो एन ए इंटू केबी लिखना पड़ेगा और म्यू इंटू एन ए आपका कणों की संख्या आ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। एक तो पढ़ा पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी, और एक अपन ने पढ़ा पी इक्वल्स टू रो आर टी अपॉन एम ओ। ये तीन फॉर्मूले हैं आदर्श गैस समीकरण के, तो तीन अलग अलग तरीके से आप आदर्श गैस समीकरण को बता सकते हो। अब देखिए उस वाले पे जाता हूं, देखना यदि हम एक मोल गैस ले, एक मोल आदर्श गैस के लिए, एक मोल आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए एक मोल आदर्श गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी की जगह, मतलब म्यू का मान हमारे पास कितना हो गया एक, पीवी इक्वल्स टू बच्चों हमारे पास हो गया आर टी, तो अगर मैं पीवी बाय टी निकालूंगा तो बच्चों को एक कांस्टेंट आर की इक्वल आएगा, है ना। तो मैं दो अलग अलग चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक तरफ मैं लूंगा पीवी बाय टी और एक तरफ मैं लूंगा क्या बोलते हैं आपका प्रेशर। तो देखिए अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, एक तरफ मैंने लिया पीवी बाय टी, अगर आप एक मोल नहीं लेना चाहते तो इट्स फाइन, आप यहां पर म्यू को म्यू रहने दे सकते हो, और यहां पर अपन ले रहे प्रेशर यानी दाब, ठीक। तो क्योंकि यूनिवर्स जो आदर्श गैस है वो तो ऑब्वियस ही बात है पीवी बाय टी, तो उसका कांस्टेंट हो गया, फिर चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ घटाओ उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए आएगी, आदर्श गैस के लिए, ये स्ट्रेट लाइन बनी आदर्श गैस के लिए। बट अगर मान लीजिए मैंने आपके लिए आदर्श गैस नहीं ली, मैंने हाइड्रोजन हीलियम इस तरह की गैस ली, चलो हाइड्रोजन ही ली, अगर आपका प्रेशर कम होगा ना, आदर्श गैस जनरली ऐसे बताइए देखो, तो मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, एक दूसरा केस मान लीजिए इसका टेम्परेचर T2 है, और थर्ड मान लीजिए इसका टेम्परेचर T3 है, तिरंगा बना दिया उल्टा, उल्टा तिरंगा हो गया, तो ठीक है ना, नहीं यार व्हाइट कलर की लेंथ थोड़ी ना, ब्लू कलर की लेंथ थोड़ी ना होती है,
तो ये तीन अलग अलग टेम्परेचर है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इधर दाब कम था बच्चों, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि T1 का मान T2 से ज्यादा है और T2 का मान T3 से ज्यादा है, तो आप एक चीज नोटिस करो, प्रेशर जितना कम टेम्परेचर जितना ज्यादा, वापस सुनना, प्रेशर जितना कम टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना ही वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। ये जो तीनों ग्राफ मैंने बनाए हैं ये वास्तविक गैस के लिए बनाए हैं, ये तीनों ग्राफ वास्तविक गैस के लिए बनाए हैं। तो अगर गैस का दाब कम हो, ताप ज्यादा हो, तो वो आदर्श गैस एग्जैक्टली आदर्श गैस ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कुछ कुछ मतलब मोस्टली उसके जो बिहेवियर होंगे वो आदर्श गैस जैसे ही होंगे। इस ग्राफ से हमें समझ आ रहा है, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, वास्तविक गैस निम्न दाब व उच्च ताप पर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है, आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। यह चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दे और प्रेशर को कम कर दे तो उस केस में वो गैस आदर्श गैस जैसा बिहेवियर कर रही है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, ग्रीन कलर वाली लाइन देखो, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, प्रेशर तो तीनों में कमी रखा हमने, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आदर्श गैस को क्रॉस कर करके जा रही है, इसकी आदर्श गैस से दूरी भी बढ़ती जा रही है। देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर कम करो, आप अपनी गैस को आदर्श गैस जैसा बिहेवियर करवा सकते हो, ठीक है। आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गैस नियमों के बारे में। गैस नियमों में भी हम देख लेंगे कि भाई ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का क्या रोल है। गैस नियम बच्चों, गैस नियम हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, कोई नई बात मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले बॉयल्स का नियम, मेरी सब जानते हो बॉयल का नियम क्या है, भाई पीवी जो बराबर होता है वो एक नियतांक यानी कांस्टेंट के बराबर होता है। मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पी जो होता है वो वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ये रूल तो होता है। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाऊं, देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये हमारी वास्तविक गैस है, सॉरी आदर्श गैस है, वास्तविक गैस क्या बोल रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ये वास्तविक गैस को रिप्रेजेंट करेगी। और जो येलो कलर से मैं लाइन बनाऊंगा ये हमारी आदर्श गैस को भी सॉरी वास्तविक गैस, अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, जो व्हाइट कलर वाली लाइन है वो आदर्श गैस को बताएगी और जो येलो कलर वाली लाइन है वो वास्तविक गैस को बताएगी। तो ये ग्राफ हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लेते हैं इस टाइम पर टेम्परेचर जो है बच्चों टी वन है, ठीक है। तो मान लीजिए टेम्परेचर टी वन है और मेरी ये आदर्श गैस का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऑब्वियस ही बात है यार, P और V के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है तो आयताकार परवलय बनना चाहिए। लेकिन वास्तविक गैस ऐसा नहीं करती, वास्तविक गैस का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ये रहा वास्तविक गैस का ग्राफ। नोट करिए कितना डिफरेंस आ रहा है, वो ग्राफ जो वहां से स्टार्ट होकर ऐसे आ रहा है, ये तो ग्राफ यहां से सीधा सीधा आ रहा है, मतलब इसको इसके साथ पैरेलल आगे चलने की कोशिश करेगा, आगे ये इसके साथ पैरेलल चलने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तो नहीं चल रहा, अभी तो नहीं चल रहा,
चलिए अभी तो मैंने टेम्परेचर कम कर रखा है, एक काम करते हैं टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया तो हम लिख देते टेम्परेचर नंबर T2। टेम्परेचर बढ़ाओगे वापस गैस जो है वो अब आदर्श गैस जैसा व्यवहार करना चालू करेंगे। देखो अब इसके ज्यादा क्लोज इसके पैरेलल चलने लग गए। मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया, मैंने टेम्परेचर T3 कर दिया, अब मेरी गैस काफी हद तक आदर्श गैसा बिहेव कर रही है। तो इस केस में T3 का मान T2 से ज्यादा और T2 का मान T1 से ज्यादा है। तो पहले वाले केस में जो मैंने पहला ग्राफ बनाया था तो ग्राफ देखो कितना डिफरेंस आ रहा था। ये फर्स्ट वाले केस के लिए, ये जो मैंने पहला वाला बनाया था ये T1 के लिए था, ये T2 के लिए ग्राफ है और ये थर्ड वाला T3 के लिए ग्राफ है, येलो कलर की बात कर रहा हूँ। तो ये व्हाइट कलर वाला T1 के लिए था, देखो यहाँ पे T1 का कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये आगे जाकर के इससे मिल रही है। फिर दूसरे केस में जब T2 था ठीक है, पहले कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज आके उसके साथ चल रही है। T3 में जैसे मैंने प्रेशर टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाया और प्रेशर को और कम रखा तो देखो देखो प्रेशर नीचे की तरफ कम है ना, नीचे की तरफ प्रेशर कम है, देखो इस वाले एरिया में प्रेशर कम है, इसलिए प्रेशर कम है तापमान ज्यादा है तो वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगी, इसलिए गैस जाकर के एक्चुअल गैस के चिपकती जा रही है, जो एक्चुअल ग्राफ गैस का ग्राफ है ना उसके साथ उस चीज को फॉलो कर रही है। वही सेम लॉजिक, प्रेशर लो इस एरिया में क्या है, इस वाले क्षेत्र में दाब क्या है कम है, ऊपर जाते जाते दाब तो बढ़ रहा है, यहां पर दाब क्या है कम, तो दाब जितना कम रखोगे टेम्परेचर जितना हाई रखोगे हमारी वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। इसके बाद आता है बच्चों सेकंड नंबर पे चार्ल्स का नियम। स्पेस तो थोड़ी सी कम है पर चलो चला लेंगे। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम तो आप सबको पता ही है। इसमें अपन प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, वी और टी के अंदर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रेशर भी सॉरी टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर होता है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सॉरी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है ना, आपकी ग्राफ क्या आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो अगर ग्राफ आप बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसे पहले पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन देखिए, मैंने बोला एक तरफ आपको लेना है वॉल्यूम और एक तरफ लेना है आपको टेम्परेचर, तो यहां पे लिया हमने वॉल्यूम, यहां पे लिया हमने टेम्परेचर। अब क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर तो है, अब मुझे प्रेशर लेना पड़ेगा। जैसे पहले वाले केस में मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम था तो मैंने टेम्परेचर लिया था, अब मेरे पास वॉल्यूम है टेम्परेचर है मुझे प्रेशर लेना पड़ेगा। तो मैं तीन अलग अलग केसेस के अंदर ग्राफ बनाऊंगा और देखता हूँ मेरा ग्राफ जो है वो किस तरीके से शो करता है मेरे क्या बोलते हैं मतलब किस तरीके से फॉलो करता है इसको। तो वही सेम, ये हमारी वास्तविक गैस है, वास्तविक क्या आदर्श गैस है, बार बार पता नहीं मुझसे क्यों निकल रहा है, और ये हमारी ये वाली लाइन से अपन आदर्श गैस लेंगे। अरे यार वास्तविक गैस लेंगे, ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं प्रेशर को कम रखूंगा, प्रेशर को कम रखूंगा तो देखो क्या होगा, मान लो मेरी ये वास्तविक क्या बोलते हैं लाइन है, यहां पे मान लेते हैं प्रेशर मेरा है P3, ठीक है ना, ऐसे किया था ना अपन ने, P3 है, देखो लाइन में डिफरेंस देखो कितना आएगा, ये हमारी वास्तविक गैस कितना ज्यादा डिफरेंस है देखो आप। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाया, लाइन थोड़ी और अलग बनेगी, ये प्रेशर थोड़ा कम किया मतलब कम कर रहे हैं ना अपने, और यहाँ पर लाइन काफी हद तक इसके पास जाने की कोशिश करेगी लेकिन पूरी तरीके से इसके साथ जाएगी नहीं, मतलब इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेगी। ये हमारे पास प्रेशर नंबर 2 हो गया। थर्ड, अगर मैं प्रेशर को सबसे कम कर दूं तो मेरी लाइन इसको फॉलो करेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो देखो ये इसको फॉलो करती जा रही है। तो ये सेम कहानी है, P1 का मान सबसे कम है, P2 का सबसे ज्यादा है, और P3 का सबसे ज्यादा है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे हमारी वास्तविक गैस आदर्श गैस से दूर भागेगी,
प्रेशर को कम करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, आदर्श गैस के पास से पकने की कोशिश करेगी। तो सेम कहानी है दोनों रूल से, हमें यही समझ आया। क्या समझ आया? कि अगर आपकी गैस हमारी वास्तविक गैस का प्रेशर लो रखो, टेम्परेचर हाई रखो, तो उस केस में आदर्श गैस, सॉरी वास्तविक गैस आदर्श गैस ऐसा बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ प्रेशर कम है, टेम्परेचर यहाँ पे जाने से बढ़ रहा है, ये इसकी तरह फॉलो कर रही है। इसमें भी देखिए, इस वाले केस में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था और आयतन अपने को दाब को नी कम रखना था, तो जैसे जैसे ये दाब कम होता जा रहा है वैसे वैसे इसके पास चिपकती जा रही है। ठीक है ना, डोंट वरी, ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए आपके पास नहीं आते, तो इंजॉय, मस्त रहो। चलिए, एक जॉन डाल्टन का जॉन डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम, दाब का नियम, बच्चों अगर हमने बहुत सारी गैसेज जैसे हाइड्रोजन, इन सब हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इन सबको मिक्स करके अपन क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो मान लो मेरे पास एक से ज़्यादा गैसेस हैं, अब उनकी प्रॉपर्टी ये है, उनका टेम्परेचर और उनका वॉल्यूम, बोले तो उनका आयतन और उनका ताप बराबर है, तो नियत ताप एवं आयतन पर, आयतन पर दो अथवा अधिक गैसों, दो अथवा अधिक गैसों को मिलाने पर, गैसों को मिलाने पर, मिलाने पर गैस का कुल दाब, गैस का कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाब के बराबर होता है। मतलब सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा अंश दिया एक तरीके से, एग्जाम्पल समझना। एक गैस है, मान लो हाइड्रोजन ली, एक गैस ली ऑक्सीजन ली, ठीक है ना, इसमें गैस भरी हुई है हाइड्रोजन और इसमें भी गैस भरी है, मान लो इसका टेम्परेचर भी टी है, इसका टेम्परेचर भी टी है, इसका आयतन भी वी है, इसका आयतन भी वी है, लेकिन इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग कैसे होगा, मोलों की संख्या अलग है। इसमें मान लो म्यू वन मोल है, इसमें मान लो म्यू टू मोल है। अगर इन दोनों गैस को मिला दूं, और कंटेनर में ऑब्वियसली दो अलग अलग तरीके की गैसेज हो जाए, मेरे पास इसमें ऑक्सीजन भी होगी, मेरे पास इसमें सॉरी हाइड्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी, तब अगर इस गैस का टोटल प्रेशर मुझे निकालना है तो ये इन दोनों के दाब के बराबर होगा, बस ये लॉ होता है। तो मेरे पास अगर बहुत सारी गैसेस हैं, P1, P2, P3 ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं, उनने जो दाब लगा है वो P1, P2, P3 से लेके PN ऐसे है। तो बच्चों PV = μRT तो पढ़ा ही था, तो यहाँ से P का माना गया μRT/V। इस हिसाब से हमारे पास बन गया μ1 RT/V, क्योंकि दाब और सॉरी ताप और आयतन तो बराबर है। यहाँ पर आ जाएगा μ2 RT/V, μ3 RT/V एंड सो ऑन, μn RTn/V। आप चाहो तो इसमें से RT/N कॉमन ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास सारे मोल जितने भी इसमें वो सब जुड़ जाएंगे और हमारे पास RT/V आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी गैस का टोटल लाभ निकाल सकते हो, पर कंडीशन यही है, उनका ताप बराबर होना चाहिए और उनका आयतन बराबर होना चाहिए। मतलब बराबर आयतन की दो गैसेस ली, उनका ताप भी बराबर था, उनको मिक्स करा, मिक्स करने के बाद एक नई गैस बनी, उस यहाँ गैस का मिक्सचर बना, उस गैस के मिक्सचर का अगर आपको कुल दाब निकालना है तो दोनों के इंडिविजुअल दाब को आप ऐड कर दोगे, दी एंड। यही होता है गैसों का आंशिक दाब का नियम जो जॉन डाल्टन ने बताया था। बहुत बेसिक सी बच्चों जैसी बात है, ठीक है ना, पर ध्यान रखना तापमान और आयतन बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ जाएगी, कोई गैस ज़्यादा दाब डालेगी, कोई गैस कम दाब डालेगी, उसके इसमें लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा, वो है पहले तो आदर्श गैस के अभिग्रहित क्या होते हैं। जब मैं आदर्श गैस की बात करता हूँ तो कुछ अजम्पशंस अपने को मानने पड़ते हैं, कुछ
मतलब कुछ अज्यूम करना पड़ता है, वो अजम्पशंस अपन कल पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे कि आदर्श गैस अगर किसी कंटेनर की वॉल पे, किसी मतलब किसी पात्र की दीवार पर अगर दाब डाले तो कितना दाब डालेगी। तो किसी भी आदर्श गैस द्वारा पात्र की दीवार पर डाला गया था, अब ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको ये कल कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ही वाइंड अप कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और अगर अभी तक किसी ने कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स ले लेना। वन शॉट आपको पता है 90 चैप्टर का आ चुका है, 10वें चैप्टर का आपको ट्यूजडे को मिलेगा, मंगलवार को। चैप्टर उसका थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सब्र बना के रखिएगा, बट थोड़ा सा अगर हो सके तो चैप्टर रिवाइज कर कर आना तो आपको और अच्छे से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और किसी ने अगर अभी तक 9th चैप्टर का भी वन शॉट नहीं देखा तो वो डला हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।